हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। दोस्तों, सर्दियों में परिवार में कोई ना कोई बीमार होने लगता है। ऐसे में न्यूबॉर्न बेबी भी अगर बीमार हो जाए तो परिवार के सदस्य परेशान हो जाते हैं। खासकर माँ बाप को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके घर पर भी कोई नवजात शिशु है, यानी कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत में सुधार लाने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में जिन्हें आपको पूरी सर्दियों के मौसम में ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, कमरे के अंदर का टेम्परेचर सही रखें। दोस्तों, घर के अंदर का टेम्परेचर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि नमी की वजह से कमरा ठंडा हो जाता है। इसलिए कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें तो आपके बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर होगा। नंबर दो, माँ का दूध पिलाएं। दोस्तों, माँ का दूध कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कई एंटीबॉडी होती हैं जो शिशु के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और इससे आपका शिशु कई बीमारियों से बच जाता है। माँ के दूध में भी वही सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा एक फायदा ये भी होता है कि जब आप अपने शिशु को दूध पिलाएंगी तो आपके शरीर की गर्माहट से बच्चे को राहत मिलेगी और वह सर्दियों के मौसम में बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर तीन, हाइड्रेट रखें। दोस्तों, ठंड के समय में गर्मी जितना पसीना नहीं आता है, इसलिए हो सकता है कि वह पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ ना लें। इस वजह से हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए स्मार्ट विकल्प अपना सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।